इस हफ्ते जो सदस्य नॉमिनेटेड हैं, वोटिंग ट्रेंड्स क्या कहते हैं, किसको कितने वोट मिले हैं और कौन इस हफ्ते बेघर हो सकता है। दरअसल सिम्बा, मायशा, ईशान, निशांत, उमर, ये पांच सदस्य जो हैं नॉमिनेटेड हुए हैं। और इन पांचों सदस्यों में अगर वोट परसेंटेज की बात करूं मैं, तो आप सभी जानते ही हैं कि इसमें उमर रियाज को पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उमर रियाज की फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उमर इस वोटिंग ट्रेंड में टॉप कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि जब तक क्लोज भी होंगे वोटिंग लाइंस तब तक भी वो टॉप करते रहेंगे। इस बात के लिए मुझे आई एम वेरी मच श्योर, क्योंकि जो 40+ परसेंटेज जो है उन्हें वोट मिल रहे हैं। दूसरे और तीसरे नंबर पे जो फासला है वोटिंग परसेंटेज का, वो 2 से 2.5% ही है। दूसरे नंबर पर फिलहाल जो है निशांत है, तीसरे पे सिम्बा नागपाल है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े टाइम के बाद जो है सिम्बा 2 पे आ जाएंगे और निशांत 3 पे आ जाएंगे, क्योंकि सिम्बा की भी जो मैं सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग देखती हूँ वो बहुत ज़बरदस्त है। चौथे और पांचवें नंबर पर, मतलब पिछले कई हफ्तों से इस कपल को बचाया जा रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो अब क्या करेंगे मेकर्स, क्योंकि चौथे पे तो आ चुकी है मायशा और पांचवें पे ईशान, और वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से जाएं तो मायशा ईशान में ही फेरबदल होगा। दोनों में से किसी एक का निकलना मुझे लगता है कि कंफर्म है। तो सबसे ऊपर उमर, उसके बाद जो है निशांत, तीसरे पे सिम्बा नागपाल, चौथे पे मायशा और आखिरी में बॉटम में है ईशान। तो ये ईशान का निकलना जो है वो तय लग रहा है मुझे, लेकिन फिलहाल वोटिंग लाइंस खुली हैं, देखना होगा कि क्या फैंस इसमें कोई फेरबदल लाते हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए बहुत श्योर हूँ कि टॉप पर इस पूरे वोटिंग ट्रेंड में उमर बने रहेंगे। बॉटम टू में फेरबदल हो सकता है मायशा और ईशान में, लेकिन यही अगर रहा तो मुझे लगता है कि इन दोनों में से किसी एक का जाना तय है।